सो हेलो एंड वेलकम, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमालयन वॉचर में। तो आज हम आए हैं बहुत ही पुरानी जगह गुम्मा में, और माना जाता है ऐसा ही होता है कि पहले जो हमारे पूर्वज थे वो यहाँ से नमक लेने के लिए यहाँ पर आते थे, और यहाँ से नमक बड़ी दूर दूर तक ले जाते थे। इस सराज से भी लोग यहाँ पर आते थे, कुल्लू से भी लोग यहाँ तक आते थे, और चौंतरा कांगड़ा के लोग भी यहाँ पर नमक लेने के लिए आते हैं। तो पिछले ब्लॉग में हमने आपको बताया कि हम गए थे देव पशाकोट जी की एक गुफा में, उसके बारे में हमने आपको प्रचलित कहानी भी बताई, और अभी हम उसी गुफा से होते हुए हम जा रहे हैं माता हडिम्बा जी के मंदिर में। अभी हम गुम्मा से पहुंच चुके हैं इतने ऊपर, और यहाँ पर लगभग देवदार के पौधे अभी शुरू हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और गुरु जी नीचे से आ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन एक बावड़ी है, ऐसा लगता है जैसे राजा महाराजाओं के समय की है, और इसके हालत आप अभी देख सकते हैं। सफर हमारा जारी है माता हडिम्बा जी के मंदिर को, जो कि सरी में है, और यहाँ पर देख सकते हैं बावड़ी में कितना भारी पानी है। और यहाँ से हम चढ़ेंगे ऊपर को, है माता हडिम्बा जी का पत्थर यहाँ पर भी लोग पूजा करते हैं माता की, और यहाँ पर झंडे लगे हैं, देख सकते हैं आप मंदिर को जाने के लिए। अब यहीं से हम ऊपर को जाएंगे, और यहाँ से देखिए एक नज़ारा, नज़र मारते हैं हम नीचे के गांव की, और यहाँ से हम ऊपर को जाएंगे, और हमारे साथी चले हैं, और ऐसा ही ये रास्ता है। और ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर ये जगह है, बिल्कुल हरी भरी ऊंचे ऊंचे पेड़, और यहाँ पर हमारे मास्टर सरांच जी और हमारे सेक्रेटरी साहब दौड़ते हुए, और ये देखिए कितनी सुंदर है ये, और यहीं से ऊपर सराय दिख रही है। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं, और ऐसे जंगल और बीच हरे खेतों के बीच से होता हुआ ये रास्ता बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर भी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, ये देखिए ये है मंदिर माता हडिम्बा जी का। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं इसमें मंदिर में, और ये देखिए कितना हरा भरा है, यहाँ पर देवदार के ऊंचे वृक्ष हैं, और यहाँ तक आती है गाड़ी। यह है सड़क यहाँ की, जो मैंने कहा गधार से आती है, और ये देखिए कितने सुंदर पेड़ हैं, ये देखिए ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बिल्कुल हरा भरा यहाँ पर मैदान, और साथ में ही है यहाँ पर माता हडिम्बा जी का मंदिर। यह है मंदिर का मुख्य द्वार, और इसके अंदर अब हम जाएंगे, बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। तो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं माता हडिम्बा जी की मूर्तियों के, और ये देखिए कितनी सुंदर दिव्य मूर्तियाँ हैं यहाँ पर माता जी की। माता हडिम्बा जी का उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है।
मंदिर के साथ ही यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक दाड़नी या दाड़ू का पेड़ है, और ऐसा हमें बताया गया कि जो सबसे पहले यहाँ पर मूर्तियाँ जो प्रकट हुई थी माता रानी की, वो इसी पेड़ के नीचे हुई थी। और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ हैं माता रानी की, और ये है मूर्ति माता हडिम्बा जी की, ये कर लीजिए दर्शन आप। ये है प्राचीन मूर्तियाँ जो यहाँ पर मिली थी, और इन्हीं मूर्तियों का प्रतिरूप अंदर मंदिर में बनाया गया है। और साथ में यहाँ आप देख सकते हैं कि गोबर की यहाँ पर लिपाई की गई है, और यहीं पर ही प्रश्न आदि पढ़ते हैं, और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। और ये है मंदिर के साथ ही नीचे सराय। और ये है नीचे गुम्मा। तो अभी हम आए हैं यहाँ ऊपर से, और अब चले हैं माता जी के दूसरे मंदिर पे। और देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एक मैदान है, और यहाँ पर हमारे साथी कुछ छाया चित्र भी ले रहे हैं। और उसी के साथ ही यहाँ पर हमें सामने दिखाई दे रही है गुम्मा की बहुत ही पुरानी नमक की खान, जो अभी पूरी तरह से बंद है। तो किसी समय बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर नमक लेने के लिए आते थे, यहाँ पर चट्टानी नमक मिलता है। अभी भी लोग यहाँ पर नमकीन पानी लेने के लिए आते हैं, और शायद नमक मिलना तो यहाँ पर बंद है, और पर अगर आपने चट्टानी नमक लेना है तो आप द्रंग से ले सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर है ये जगह, और यहाँ पर खेल का छोटा सा मैदान है। अभी हम पहुँच चुके हैं माता रानी के मंदिर में। यहाँ पर माता हडिम्बा जी के मंदिर में, और यहाँ पर होता है माता जी का दिव्य रथ। और यहाँ पर देखिए भगवान, यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, विशालकाय मूर्ति। और हर वर्ष 31 मार्च को हम यहाँ पर आते हैं, हमारे जो आराध्य देव इष्ट देवता देव पेशागरी जी हैं वो यहीं पर विश्राम करते हैं जोगिंदर नगर मेले को जाने से पहले। और ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर है अंदर, और यहाँ पर है माता जी की दिव्य मूर्ति, अंदर दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर ये मूर्ति है। जय माता दी। पुजारी जी आप बताएंगे कि कैसे जो माता जी की वहाँ पे ऊपर जो मूल स्थान में जो निकली, तो कहते हैं कि चलाती बार नीचे से धरती से मूर्ति निकली थी। जी जी, धरती से मूर्ति निकली, फिर वहाँ छोटा सा मंदिर बनाया। बाद में किसी ने मतलब कोई ठेकेदार था, उसने फिर ऊपर जो मंदिर बनाया, फिर बड़ा मंदिर उसने बनाया वहाँ पर। बाद में फिर यहाँ की स्थापना की गई माता की, और ये जो है मतलब पांडवों के टाइम की है। तो अभी जो मूल स्थान ऊपर ही है। हाँ जी, और यहाँ पे यहाँ माता के जो रथ हैं यहाँ रहते हैं, और मूर्ति तो ये तो बाद में रखी है यहाँ पे धरती से रखना। जी हाँ जी, तो जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो धरती से निकली थी, वहाँ हल जोत रहे थे वहाँ पर। हाँ जी, कोई किसान किसान तो वो हल का जब आगे का हिस्सा लगा उसमें, तो जैसे कन्या की आवाज आई थी। हाँ जी, तब उन्होंने देखा वहाँ पे, बाद में पूछा। अच्छा, ये माता जी और ये है मतलब इसकी पांडवों के टाइम से जो है। हाँ जी, माता का वहाँ भाई आते हैं, अब बुजुर्गों ने जो हमारे बताया वही हमारे वही। जी जी बिल्कुल। फिर इसके बाद यहाँ स्थापना की, जो अपने साल्ट माइन गुम्मा जो था उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, यहाँ मंत्र मंत्र जो बनाया वो मानते भी थे बड़े बड़े, और माता की कृपा से जो है मतलब यहाँ कभी इसमें नमखान में नुकसान नहीं हुआ कभी किसी।
कोई अनहोनी भी नहीं हुई, कोई अनहोनी नहीं हुई, ना कोई दुर्घटना। और राज्य के टाइम में जो है माता मंडी के मेले में भी जाती थी, और अभी स्थान है माता का, और चिट्ठियां हमारे को बराबर आती है, पर जाते नहीं किसी कारण से। आप नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, पर जाती तो चिट्ठियां आती है, पर जाते नहीं। और यहाँ पे माता का जो मेला होता है वो होता है जी आपके अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने में यहाँ पर मेला, इसी महीने के हिसाब से 5-6-7 अप्रैल, 7 और 16-18 ऐसा शादियाँ भी इस मंदिर में होती है, शादियाँ भी होती है। और जिसके जैसे माता की ऐसी कृपा जिसके कभी बच्चे नहीं हुए, यहाँ मतलब ऐसे बहुत से केस हुए जो माता की कृपा से जिनके 8-9 साल 10-10 साल के बाद बच्चे भी दिए माता ने। अच्छा। और इसकी मान्यता बड़ी भारी है, जैसे पशुओं को बीमारी होती है तो लोग मानता करते हैं उनको बीमारी नहीं लगती है, नहीं लगती है। बाकी तो ऐसा है मेरे को तो हो गए 30 साल। अच्छा, जैसे दो रथ हैं माता के, इनके पीछे क्या कहानी है? रथ जो है पहले एक ही था। अच्छा। और राजे के टाइम में ही कहते हैं कोई मान्यता पूरी हुई है, अब पता नहीं राजा के मान्यता क्या पूरी हुई, उन्होंने मतलब एक रथ बना कर दिया छोटा। अच्छा, मंडी के राजा ने यहाँ पर वो रथ भेंट किया माता जी को, छोटे वाला रथ जो है उन्होंने बना के दिया। उसके बाद ही मतलब वहाँ छोटी डिब्बा और बड़ी डिब्बा से दो रथ जो हमारे चल रहे हैं। अगर मेले को भी जाते हैं, दूसरी बार गई हमारी। हाँ जी, और पहली बार गई और इस बार दूसरी बार। और मेला गड़ू के मेले में तो जाते हैं, गड़ू के मेले में और जोगिंद्रनगर के मेले में बहुत सारे लोग माता के साथ यहाँ से जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी, और दर्शन देते हैं माता उसमें, और उसमें भी दोनों रथ जाते हैं माता के। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो माता हडिम्बा जी के मंदिर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।